भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आओ याद करें उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिनके बलिदान की वजह से भारत देश आजाद हुआ। 23 जुलाई मध्य प्रदेश के भवरा गांव में इनका जन्म हुआ। उनकी उम्र कुछ 13 साल की रही होगी। उसी राज्य के एक बाग से जहां उनके पिता सुपरिटेंडेंट पुलिस थे, उनके वहां से वो 4 बड़े बड़े आम तोड़ के घर उठा लाए। और माली ने भी सोचा सुपरिटेंडेंट के बेटे हैं तो उसको आम तोड़ने से क्या रोकना। लेकिन जब पिताजी घर आए, घर पर वो आम पड़े थे तो पत्नी से पूछा, अरे ये आम किधर से आए? तो पत्नी ने बोला, आपका बेटा लाया है। तो बस फिर क्या था, उनके पिताजी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उनको लगा कि बच्चे ने ये आम चोरी किए हैं, क्योंकि उसके पास आम खरीदने के लिए पैसे तो थे नहीं। इसलिए पिताजी ने बच्चे को खूब डांटा। बच्चे ने भी आम लौटाने से, माली से माफी मांगने से बिल्कुल मना कर दिया। फिर क्या था, उनके पिताजी ने उनको रात के 9 बजे घर से बाहर निकाल दिया और अंदर से कुंडी लगा ली और बोला, जब तक तुम आम नहीं लौटाओगे, माली से माफी नहीं मांगोगे, तब तक इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब बच्चा तो बच्चा, उसकी जिद, उसका गुस्सा बिल्कुल अपने पिताजी पर गया था। उन्होंने भी सोच लिया, ना तो वो माली से माफी मांगेंगे और अंदर भी घर के तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनके पिताजी उनको खुद अंदर नहीं लेके जाते, क्योंकि वो आम उन्होंने चुराए नहीं थे बल्कि माली के सामने तोड़े थे। देखिए ना, झूठ के आगे झुकना उनको बचपन से ही पसंद नहीं था। फिर वो घर वापस नहीं गए, लेकिन जो परिवार ने खोया वही देश ने पाया। यहीं से शुरुआत हुई आजादी की राह पर चलने की और भारत को आजादी दिलाने की उनकी एक जंग की। और ये बच्चा था चंद्रशेखर आजाद। नाम से ही आजाद और स्वभाव से भी आजाद, अपनी जिंदगी के 10 साल सिर्फ अपने देश को आजादी दिलाने में लगा दिए और देश को आजादी दिलाने का अपने हिस्से का मकसद उन्होंने पूरा किया। दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही जिए थे, आजाद ही मरेंगे। चंद्रशेखर आजाद जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की वजह से भारत देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को यूआरएफएम की ओर से सलाम।